गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम लोग इससे पहले ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल पढ़े थे, तो पहले आप लोग आज क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। ओके, डेट में आप लोग का हो जाएगा 21 क्लास 1 सब्जेक्ट मैथ्स, सब्जेक्ट मैथ्स पेज नंबर, पेज नंबर आप लोग 85। अब आप लोग 85 में निकाल के देखिए कि आप लोग को इसमें भी ग्रेटर देन और इसमें ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल आप लोग को पढ़ना है। इसमें दिया हुआ है यूजिंग द नंबर लाइन पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। ओके, अब यहाँ पे आप लोग स्टैंडिंग लाइन के जरिए देखिए, आप लोग को मैं ये बता रही हूँ 20, 21, 22, 23 आप लोग का एक्सरसाइज जो है वो आप लोग का 10 है, एक्सरसाइज 10। ओके, एक्सरसाइज 10 है। अब इसमें पढ़ना है कंपैरिजन ऑन द नंबर लाइन। ओके, कंपैरिजन ऑन द नंबर नंबर लाइन। ओके, यहाँ पे आप लोग को करना है कंपैरिजन ऑन द नंबर लाइन। अब इसमें आप लोग देखिए कि यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, हम 30 तक ही लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसमें स्मॉलर यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन, तो इसमें लेस देन जो हो गया वो 20 हो गया। ठीक है, तो हम 20 लिख देते हैं और ग्रेटर देन जो हो गया वो 30 हो गया। ओके, तो इसमें हमको जानना है, ऐसे तो हम जान गए कि ये है अब इसमें ग्रेटर देन जो हो गया वो 30 हो गया और लेस देन जो हो गया वो 20 हो गया, यानी काउंटिंग में जो पहले आते हैं वो क्या हो जाते हैं, लेस देन होते हैं, और जो काउंटिंग में बाद में आते हैं वो हो जाते हैं ग्रेटर देन। तो काउंटिंग में पहले 20 आ गया तो ये क्या हो गया, लेस देन। ओके, और काउंटिंग में बाद में जो आते हैं वो ग्रेटर देन, तो हम लोग का जो है यहाँ पे ग्रेटर देन। ओके, अब ऐसे ही आप लोग के बुक में फिर दूसरा भी है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, 92, 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 2, 9, क्वेश्चन नंबर 4, 14, 19, क्वेश्चन नंबर 5, 92, 2, क्वेश्चन नंबर 6,
62 3, क्वेश्चन नंबर 7, 38 99। ओके, अब इसमें हमको जानना है कि ग्रेटर देन कौन है और लेस देन कौन है। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे लाइनिंग के जरिए मैं बता दी हूँ, आप लोग के बुक में पेज नंबर 84 में आपको 85 में आपको ऐसे ही बनाना है। ओके, अब इसमें देखिए 92, और 25, तो काउंटिंग में पहले जो आते हैं, क्या 92 पहले आते हैं? नहीं, 92 से पहले 25 आते हैं, इसलिए आपके लेस देन 25 हो गए और ग्रेटर देन 92 हो गए, तो ग्रेटर देन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, 3 में काउंटिंग में 2 पहले आते हैं, 9 बाद में आते हैं, इसलिए लेस देन 2 हो गए और 9 ग्रेटर देन हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 14 काउंटिंग में पहले आते हैं और 19 बाद में आते हैं, इसलिए 14 लेस देन है और 19 ग्रेटर देन है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 2 जो है वो काउंटिंग में पहले आते हैं, इसलिए लेस देन है, और 92 बाद में आते हैं, इसलिए ये आपके क्या हो गए? ग्रेटर देन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 62 और 3, तो काउंटिंग में 3 जो है वो है 3 पहले आते हैं, इसलिए ये लेस देन है और ग्रेटर देन 62 है। 38 और 99, तो इसमें काउंटिंग में 38 पहले आते हैं, तो इसलिए लेस देन हो गए, और 99 जो है वो बाद में आते हैं, इसलिए ये ग्रेटर देन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, यानी 1999, और राइट साइड भी 1999 और लेफ्ट साइड भी 9999, तो ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए इसको इक्वल यानी बराबर करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप लोग क्या करेंगे, आज शाम अपने बुक में ही पेज नंबर 85 आप लोग बना के बुक में बना के स्टडी ग्रुप में आप इसको सेंड करेंगे। चलिए 7 बजे से 8 बजे तक आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।